हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का पेपर देख लेते हैं। 12/1/2020 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। पेपर का लेवल काफ़ी टफ रहा है, इसको टफ टू मॉडरेट मैं कहूंगा। यहाँ पर इसकी पूरी आंसर की यहाँ पर देख लेते हैं, फिर विस्तृत चर्चा करेंगे इस पेपर के बारे में और कट ऑफ के बारे में। सारे आंसर लगभग मिल चुके हैं, एक ही आंसर ऐसा है जिसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बाकी सारे आंसर बिल्कुल क्लियरली दिए जा सकते हैं इसमें। चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। आपको जीएस का सेक्शन दिखा देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द वेस्ट और डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स सच एस माइट्स और अर्थवॉर्म। और माइट्स और अर्थवॉर्म की बॉडीज को खाने वाले, मतलब कि जो आपके स्कैवेंजर्स हैं उनकी बॉडी को खाने वाले क्या कहलाएंगे? डिकम्पोजर्स कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपघटक यहाँ पर आंसर सही है। कौन सी सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है ग्रेविटी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलुवियन सॉइल, ठीक है, वातोड़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, क्योंकि ग्लेशियल वाइड ग्लेशियल सॉइल आप जान गए हिमनद संबंधित है। एलुवियल सॉइल जो है नदी के द्वारा जो है ले जाई जाती है। इंडिया हैज सक्सेसफुली या सक्सेसिवली पास्ड थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इज नाउ वाइडली बिलीव दैट हैव इंटर्ड द फाइनल फेज इन विच नॉर्मली कैरेक्टराइज्ड बाई रैपिडली डिक्लाइनिंग। तो सारे फेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पार कर लिए हैं इंडिया ने, ऐसा मान रहे हैं। और यहाँ पर रैपिडली क्या चीज़ की डिक्लाइन देखी जा रही है? माइग्रेशन के यहाँ पर डिक्लिनेशन देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन? तो अर्बनाइजेशन में गारंटीड हाई क्वालिटी लाइफ की नहीं हो सकती, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो स्लम भी बनते हैं, तो क्या उसमें हाई क्वालिटी लाइफ देखी जाती है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ये थोड़ा सा आपने कर लिया होगा, थोड़ा भी अगर थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाएं तो। सिंड्रोम फोर्सेस ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड माइग्रेशन, ये आप नहीं कर सकते थे अगर आपको डीप नॉलेज नहीं इन सब टर्म्स की। वैसे इसका आंसर सी है, ओनली प्राइवेटाइजेशन। फाइनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम, फाइनल जो एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, वो क्या होते हैं? ऊपर भी इसी तरह क्वेश्चन था, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि फंक्शंस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के कौन कौन से हैं? तो ये फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ओवर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट जो होता है ग्रेजिंग वाली फूड चेन का, उसमें क्या होता है? जैसे सबसे पहले पौधा एक होता है उसमें, फिर आपका एक कह सकते हैं चूहा होता है, फिर आपका सांप होता है उसमें, और फिर जो है एक बर्ड होती है। तो उससे पूछ रहे हैं सांप क्या है, तो सांप क्या है? प्राइमरी कार्निवोर है। और बर्ड जो सांप को खा जाती है बड़ी वाली वल्चर, वो क्या होती है? सेकेंडरी कार्निवोर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स अर्बनाइजेशन के, इस पर बहुत जो है भसड़ मचने वाली क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। बहुत लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है कि इंडिया का एक करेक्टरिस्टिक है मैसिव ग्रोथ ऑफ स्लम्स और अर्बनाइजेशन ड्यू टू अर्बन पुल, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण जो है लोग यहाँ पर आते हैं, ये भी बात सही है। हालांकि इसमें ये भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस जो है वो भी यहाँ पर है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए इसमें। 1 और 4 मेरे हिसाब से सही होगा, बाकी जिन लोगों ने बी लगाया है उनका भी सही हो सकता है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एरिया लो डेंसिटी का रहेगा और या तो लो रेनफॉल रहेगी या रफ टराइन रहेगी, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेगी, या फिर सभी तीनों फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन रहेगी। दमन दीव में लो रेनफॉल हो नहीं सकती, पुडुचेरी में लो रेनफॉल हो नहीं सकती, दिल्ली में लो रेनफॉल जो है नहीं हो सकती है, सिक्किम में लो रेनफॉल भी, मगर अगर लो रेनफॉल नहीं भी मान लीजिए सिक्किम में, हाई रेनफॉल मान लीजिए, तब भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और रफ तराइन तो देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएटली सही है। अगला क्वेश्चन है ब्राउन कार्बन एमिशन क्या है? तो ये सब टर्म्स जो होते हैं वैसे यूपीएससी स्पेसिफिक है, अगर इस लेवल तक के कारों के पेपर को ले जाएंगे तो आप समझ लीजिए क्या बात हो रही है, मतलब बहुत टफ कंपटीशन है। ब्राउन कार्बन एमिशन कह रहे हैं कि क्या है, किससे होता है? तो इनकम्प्लीट कंबशन से होता है, जैसे अगर घर में चूल्हे में जो लकड़ी जलाई जा रही है वो इनकम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाती है, उससे होता है ब्राउन कार्बन और ब्राउन कार्बन एमिशन। ऑप्शन नंबर डी। इसे पूछ रहा है मून किस में नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर वीनस है, वीनस मरकरी के पास कोई मून नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? ये हमारा यूनेस्को में भी शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको लगाना चाहिए था सही। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरहुड किसके पास है? चाइना के पास है, 11 के करीब कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं चाहे लैंड बाउंड्री चाहे सी बाउंड्री शेयर करती हैं चाइना से। टोर्नाडो क्या है? इसमें फनल शेप्ड क्लाउड्स बनते हैं और पावरफुल वर्लिंग विंड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये हमने अपने पेड ग्रुप वालों को करवाया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि द नेम गिवन टू द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर इन पेरू, ये अलनीनो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये आप करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर चार दे दिए हैं, बताइए कि क्लाइमेट कैसा है। तो टुंड्रा रीजन में जो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, अगर मतलब थोड़ा भी एनसीईआरटी का आइडिया तो टुंड्रा रीजन में मॉसेस और लाइकन्स का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्किपिलागो क्या है, तो स्मॉल ग्रुप आइलैंड्स हैं जो फेयरली क्लोज टुगेदर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, आई होप आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उल्रू, उल्रू एक मैसिव ब्लॉक है सैंडस्टोन का जो कि मिडिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट वाले क्वेश्चन जो मतलब हैं जो यूपीएससी वगैरह भी दे रहे हैं और फिर इसमें आए हैं, उन्होंने इसको किया होगा क्योंकि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है इसमें, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आपको सारे कोड पता होने चाहिए थे, ये बहुत मुश्किल है कि सभी को सारे कोड पता हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है। 1, 2, 5, 6, 3 और 4 का कोड गलत है यहाँ पर, सी टेम्परेट नहीं, वार्म टेम्परेट नहीं दिखाता है, और डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट नहीं दिखाता है, ठीक है, ये दोनों कोड गलत है, बाकी सारे कोपन के कोड सही दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ब्राज़ील कहाँ पर लोकेटेड है, कॉन्टिनेंट का नाम बताना है, तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका का पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है लोवेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वैसे तो मारियाना ट्रेंच होना चाहिए लेकिन नहीं दिया है वो, तो डेड सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मृत सागर यहाँ पर सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। एक मिनट एक मिनट, एक्चुअली डेड सी भी दिया है, डेथ वैली भी दिया हुआ है, हाँ तो क्रस्ट में मारियाना ट्रेंच है, इसमें डेड सी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ की डायरेक्टर यूपीपीसीएस ने भी इसको पूछा था, ठीक है, और एक बार फिर से पूछ लिया गया, ये क्रिस्टलिनिया जॉर्जीविया बनी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 1 साल पहले का करंट अफेयर है, 1 साल और पहले करंट अफेयर है, 2018 सितंबर करंट अफेयर है, तो आप सोचिए यहाँ पर 20 चल रहा है, करंट अफेयर से बहुत अपडेट रहना जरूरी है और बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत रहेगी। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस और वर्ल्ड लीडर्स के साथ यूएन में पीएम मोदी मिले, 150 ट्रीज कहाँ पर लगाए गए थे, 150 वृक्ष लगाने का अनुबंध किया था गांधी पीस गार्डन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ये श्रीलंका, ये तो खैर हमने बताया था सितंबर करंट अफेयर में, लोटस स्टार नाम है, श्रीलंका में कोलंबो में सबसे टॉलेस्ट स्टार है जो श्रीलंका का वो है लोटस स्टार, इसको चाइना के सहयोग से बनाया है उन्होंने, ये हमने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है फोर्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुई है, ये आपकी हुई है माले में, ठीक है, फोर्थ वाली हुई है माले में, मालदीव में। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ये कब मनाते हैं, 30 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमने करंट अफेयर वाले में बताया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया कब लॉन्च किया था, जब हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, जब ध्यानचंद जी का जन्म दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर बी। ये है कालवी थोला थोलाई काची, ये भी बहुत पुरानी न्यूज़ है लेकिन अब पूछ लिया है किस चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, ये टीवी चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, कहाँ पर ये चलता है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए ह्यूमनाइड रोबोट जो है रशिया ने लॉन्च किया अगस्त 2019 में, इसका नाम वैसे फेडोर था जो कि हमने बताया था अपने वीडियो में, लेकिन इसका वैसा वाला नाम पूछा ऑफिशियल नेम, और ये क्वेश्चन गलत है वैसे, स्काईबॉट F850 वैसे इसका कोड है, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होता है, हाईकोर्ट को इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। स्काईबोट F850 उसका ऑफिशियल नेम था वैसे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो मनाया गया था 29 जून 2019 को, इसका थीम क्या था, इसका थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हमने आपको अपने करेंट अफेयर में बताया है। FIEO के जो नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने थे वो, उनका नाम हमने बताया था शरद कुमार सर्राफ है वो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 29 जून को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 2019 में। 24वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMD की डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस की रैंकिंग में फर्स्ट कौन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस पूछा है, IMD की जो कॉम्पिटिटिवनेस की रैंकिंग है वो नहीं पूछी है, जिन्हें नीदरलैंड लगाया उनका गलत है, इसका आंसर है US, ऑप्शन नंबर ए US। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग IPS ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एट द नेक्स्ट DG ऑफ BSF, BSF के DG कब बने थे, ये जुलाई मंथ में नियुक्त हुए थे, VK जौहरी इनका नाम है, ऑप्शन नंबर डी VK जौहरी, विवेक कुमार जौहरी बने थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन सैंड आर्टिस्ट हैज वन द पीपुल्स चॉइस प्राइज एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन बॉस्टन,
इन यूएस। तो बॉस्टन यूएस में सुदर्शन पटनायक ने जीता था, ये तुक्का भी मारते तो आप सही लगा देते हैं। सैंड आर्टिस्ट जो आप पूरे देश में जानते होंगे वो सुदर्शन पटनायक हैं ओडिशा से। अब ये रीजनिंग क्वेश्चन से अभी लास्ट में सॉल्व किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री कौन शेयर करता है पूछा है, छत्तीसगढ़ शेयर करता है, झारखंड शेयर करता है, ठीक है एक मिनट, जी हाँ झारखंड करता है, राजस्थान भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी जो है कल्चरल कैपिटल के नाम से जानी जाती है। वाराणसी इसका आंसर है, ये हमने बता दिया था पेट्रोल वालों को जो हमने वीडियो दिया था पहले जिसमें उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के बारे में बात की गई थी। चार लायन के हेड ये सभी को पता है पूरे देश में कि सारनाथ से लिया है हमने, तो चार जो सिंह हैं जो एक पीछे होता है, तीन ही दिखते हैं सामने से, वो एम्बलम है हमारा, हमारे देश का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है किसके लिए फेमस है, मदन मोहन मालवीय ने स्टैब्लिश किया था एनी बेसेंट के साथ, ये मैंने बता दिया था आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश की, मथुरा में है, ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप यहाँ पर स्पेशलिटीज जो है उससे मिलाना है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ सुहाग नगरी कहते हैं इसलिए, कानपुर ब्रास वेयर का नहीं है, कानपुर में रहता हूँ ब्रास वेयर का नहीं है ये, तो ये गलत हो गया। मुरादाबाद अपने पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि टेक्सटाइल्स के लिए, ना कि लेदर के लिए, तो ये दो गलत हो गए, ये वाला गलत, ये वाला गलत। वाराणसी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये वाला यहाँ पर सही है करेक्टली। मैच कौन कौन से बच रहे हैं, पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला चौथा ऑप्शन में नहीं दिया है वैसे, अच्छा करेक्टली मैच बताना ना, सॉरी ये फिरोजाबाद सही है, वाराणसी सही है, तो दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ पंत जो हैं ये कौन थे, हु वॉज गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ फैक्ट, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आप देखेंगे मिर्ज़ापुर भदोही और खमरिया ये 90% टोटल प्रोडक्शन किसका होता है, तो मिर्ज़ापुर भदोही और खमरिया से होता है कारपेट्स का। जिसने मिर्ज़ापुर देखी होगी वेब सीरीज उसने थोड़ा सा यहाँ पर गेस खेला होगा, कुछ कुछ गलत चीज़ें भी काप में आ जाती हैं, एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता। कालीन भैया नाम था उस प्राइम किरदार का, मतलब कालीन का व्यापार करते थे वो। अगला, विधानसभा में उत्तर प्रदेश की कितने मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश में 404 मेंबर हैं इस समय और एक नॉमिनेटेड हैं, 403 जो हैं इलेक्टेड हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जाएगा। उनका नाम है डॉक्टर डेनजिल जे गॉर्डिन, डेनजिल जे गॉर्डिन करके नाम है इनका, आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर उत्तर प्रदेश के जो कि यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय कौन थे, ठीक है अच्छा स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के गवर्नर जनरल पूछ रहा है, जिन्होंने ए लगा दिया गलती से उनका गलत हो जाएगा क्योंकि ये अधीन भारत के पहले, पराधीन भारत के पहले गवर्नर रहेंगे। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, अगर आप इसमें देखें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्री एचपी मोदी हो जाएगा, ठीक है एचपी मोदी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज हाई कोर्ट सेटअप फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश, तो हाई कोर्ट का तो एग्जाम ही देने जा रहे हैं आपको पता है, इलाहाबाद में है, उसकी बेंच लखनऊ में है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या पाया जाता है, ठीक है ये बताना है, तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मार्बल मिलेगा, एक्चुअली डोलोमाइट यहाँ पर कीवर्ड है, डोलोमाइट जो है बेसिकली मिर्ज़ापुर में ही मिलता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा क्वेश्चन है कि टाइगर रिजर्व जो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से हैं, वो अमनगढ़ है ठीक है, लेकिन ये बांधवगढ़ नहीं है, ठीक है बांधवगढ़ नहीं है, जहाँ जहाँ पर आपका जो बांधवगढ़ है उसको हटा देंगे इसमें, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और राजा जी तो हरिद्वार में पड़ता है तो ये भी गलत हो गया, दुधवा अमनगढ़ और पीलीभीत हैं खाली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप बताइए कि एसआई यूनिट्स, साइंस के क्वेश्चंस देखने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आए हैं, नॉन नॉन इंडियन रिलीजन कौन सा है जो आपका इंडिया में जिसका कोई आविर्भाव नहीं रहा है, तो इसमें यहूदी धर्म होगा, ये सभी ने कर लिया होगा, ये हमारा जो है सेंट्रल एशिया और उससे वेस्टर्न वर्ल्ड से संबंधित है, गल्फ कंट्रीज से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चंद्रगुप्त के एडवाइजर कौटिल्य किससे फेमस हुए थे, अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर सी ये भी सभी ने कर लिया होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा है, इब्राहिम लोधी बाबर, सॉरी फर्स्ट बैटल पूछ रहे हैं, तो इब्राहिम लोधी एंड बाबर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है लोधी और बाबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण देव राय जो किससे विजयनगर के थे, किस वंश से संबंधित थे, तो ये तुलुव वंश से संबंधित थे ऑप्शन नंबर बी। संगम जिन लोगों ने लगाया उनका गलत है, पूरी डायनेस्टी जब दी हुई है तुलुव ही लगाना था,
अगला क्वेश्चन है कि आप में इसमें मेजर पीरियड को लगाना है। आपको बेसिकली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे नियोलिथिक पहले आया था, हड़प्पन बाद में आया था, जहाँ जहाँ पर ऐसा नहीं है उनको हटा दीजिए आप, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हुंडी का यूज़ करते थे, हुंडी क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ हुंडी? तो ये विनिमय पत्र यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते थे मेडिवल इंडिया में, इनका यूज़ किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम से कौन जाने जाते हैं, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ये क्लीशी क्वेश्चन था, सोमनाथ टेम्पल को किसने बर्बाद किया, ये चीज़ न्यूज़ में रहा करती है आजकल, किसने बर्बाद किया था? मोहम्मद गजनी ने, ऑप्शन नंबर बी, गजनी के महमूद ने। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए इस द स्टडी ऑफ कॉइन्स विजुअल एलिमेंट्स क्रिप्ट एंड इमेजेस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि 1700 में जो बंगाल में पावर रूल स्टैब्लिश किया गया था उसके बारे में सही क्या नहीं है? इसका मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर जो है वो डी ही मिल रहा है, ठीक है, कि रैयत जो है गांवों में राजस्व मांग को बांटते थे, ये यहाँ पर आपका नहीं मिल रहा है, बाकी सारे टर्म मिल रहे हैं। क्योंकि 1700 में अगर आप देखें तो ना रैयत वाड़ी सिस्टम आया था ना महल वाड़ी सिस्टम आया था, तो ऊपर के तीन सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है, डी गलत हो जाएगा, बाकी आप लोग अपना एजम्पशन बताइएगा। आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी रहेंगे, ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट भी आए हैं। गदर मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, यूएस से शुरू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। गदर पार्टी का इनिशियल नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश रूल में जो फर्स्ट ट्रेन कहाँ से चली थी, बॉम्बे से ठाणे, ये टीईटी में पूछा गया था अभी परसों नरसों। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो यूज़ किया था डलहौजी ने, किसके लिए? बेसिकली एनेक्स करने के लिए स्टेट ऑफ झांसी को, ठीक है, युद्ध करने के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि नॉट कनेक्टेड विद गांधीज पर्पस, गांधी जी का पर्पस दांडी मार्च का क्या नहीं था? तो वैसे अगर देखा जाए तो सब चीज़ कनेक्ट हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली नॉट एट ऑल कनेक्टेड होगा फॉरेन क्लोथ्स, क्योंकि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना यहाँ पर जो है मेन मुद्दा चल रहा था। डी यहाँ पर नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत डिस्प्यूटेड है, इसमें आयोग का ही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मॉडरेट फैक्शन इन द नेशनल कांग्रेस एंड हैड स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? मॉडरेट कौन माना जाएगा, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होगा? लाल बाल पाल दिया हुआ है, लाल बाल पाल ये एक्सट्रीमिस्ट थे, सभी को जानता है, सभी पता है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर मॉडरेट थे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रंटल अटैक किसने लॉन्च किया था? ये डायरेक्टली जो है स्पेक्ट्रम की लाइन ली गई है, राजा राममोहन रॉय यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज कांग्रेस का गोल कहाँ पर डिक्लेयर किया था? 1906 में कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी ने बोल दिया था कि जो सोल पर्पस होगा अब से वो स्वराज होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर माउंटबेटन प्लान के मेन जो है पॉइंट में से कौन से थे ये बताना है। तो पहला तो हुआ था पंजाब और बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबलीज को दो ग्रुप में मिलना था, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा जो है हिंदू मेजॉरिटी था, कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी था, सिंध जो था ये पाकिस्तान का पार्ट बनना था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था ये सिलहट का भाग होना था, सॉरी ये पाकिस्तान का भाग होना था, लेकिन सिलहट में रेफरेंडम होना था बेसिकली, तो ये नहीं कह सकते कि ये सिलहट जो है इंडिया का ही पार्ट होना था, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है, ये सही है फोर्थ वाला। तो 1 2 3 वाला जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 4 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए उस हिसाब से। कुछ लोगों ने डी भी लगाया होगा, लेकिन मैं एग्री नहीं हूँ यहाँ पर कि सिलहट को जो है इंडिया का पार्ट होना था, एक्चुअली में यहाँ पर रेफरेंडम होना था। बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, सी जाएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, ट्रेडिशनल फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ये कहाँ पर प्रचलित है? ये पंजाबी कल्चर से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। रागनी पॉपुलर जो फोक सॉन्ग है ये कहाँ का है? रागिनी कहाँ का है? हरियाणा का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मेजर्ड इन एन ईयर, ये क्या होता है? ये होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मेजर्ड इन अ ईयर, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस, इसका आंसर बी होगा, द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। तो इसमें डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं बेसिकली यहाँ पर कंजम्पशन का इनकम से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिल्क रूट के बारे में आपको बताना है। सिल्क रूट जो था वो ट्रेडिंग सिल्क के लिए यूज़ होता था, तभी इसका नाम पड़ा, सही है।
सिल्क रूट जो है ग्रेट चैनल के रूप में काम करता था कल्चरल ट्रांजिशन के लिए, ये भी सही है। और वेस्टर्न नदर्न सदर्न सिल्क रूट जो था वो जैसे डिवाइडेड था, ये भी सही है। खोतान फेमस था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूफिज्म के बारे में आप बताइए, तो थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर अगर लगा होगा तो कर लिया होगा आपने। म्यूजिक और डॉक्ट्रिन के थ्रू करते थे, सही है। कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु थे और किसी धर्म का अपमान नहीं करते थे। सिलसिला में डिवाइड किया गया था, सुहरावादी सिलसिला ये सब। पीर मुरीदी की स्थापना इन्होंने की थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या सही होगा, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ये होता है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप बताइए कि रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स में इंडिया किसका पार्ट है। तो G20 का पार्ट है इंडिया, ठीक है। आसियान का वैसा पार्ट नहीं है, इंटरनल वाला एसोसिएट है इंडिया आसियान का। सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है किसको चार्ज किया जाता है, इम्पीचमेंट किस पर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट्स इनकम एंड टैक्स रिपीट रिसिप्ट फेल टू रिकवर इट्स एक्सपेंडिचर। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं भी तो बजट जो लोग पढ़ते हैं यूपी का इंडिया का एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। रिवेन्यू कम पड़ जाती है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं जब, तो फिस्कल डेफिसिट होता है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, विंड और सॉइल हो गए। अगला है फ्लोरिकल्चर में क्या नहीं करेंगे, तो फ्लोरिकल्चर में एक्वा कल्चर की प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सरफेस मल्चिंग किसका एग्जाम्पल है, रिसोर्स कंजर्विंग टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि इसमें वही सब जो निकलता है खेत से बचा हुआ उसी को जो है मल्च कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सब्सिडी का पर्पस क्या, सब्सिडी का पर्पस ये सारे होंगे डी, ठीक है। अगर मान लो आपने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी है तो आप इतनी सारी स्कीम्स पढ़ते हैं उस पर आप समझ नहीं सकते क्या मतलब है। अगर मान लो आप समझो कि उज्ज्वला आ रही है तो क्या कर रही है, अगर मान लो आपकी सबूत साथी स्कीम आ रही है तो क्या कर रही है, अगर जो उन्नत भारत अभियान आ रहा है तो क्या कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन को एक्सपोर्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, प्रॉफिट बढ़ाना फार्मर्स का, सारे के सारे होंगे। अगला क्वेश्चन है एड वैलोरम, एड वैलोरम का यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। टैक्स इम्पोज ऑन प्राइस चार्ज इन द मार्केट, बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना होता है वैट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एसिडिफिकेशन नाइट्रेट लीचिंग जो है ये क्या है बेसिकली, तो बेसिकली ये है यहाँ पर अ प्रोसेस ऑफ केमिकल सीपेज इन टू सॉइल, ऑप्शन नंबर बी। मृदा में रसायन रिसाव की प्रक्रिया है नाइट्रेट लीचिंग, एसिडिफिकेशन और नाइट्रेट लीचिंग। निगेटिव इम्पैक्ट किसका होता है, टिलेज का होता है, ये हमारे कंपाइलेशन में लिखा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की PDF में, इन्वायरमेंट वाली में। इसमें बताना है कि कोई डेफिनेट रो जो है नहीं होती है, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ए में। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डेफिनेट रोज होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ओवर इरीगेशन और पुअर ड्रेनेज से क्या होगा, तो वाटर लॉगिंग होगी, ठीक है, और सॉल्ट सेलनाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ओवर इरिगेशन करेंगे तो मिनरल्स जो हैं वो हल्के पड़ जाएंगे, ये नहीं होगा। बाकी ये होगा वाटर टेबल राइजिंग आर्टिफिशियली और प्रिवेंटिंग प्लांट रूट्स फ्रॉम गेटिंग एडिकेट ऑक्सीजन। तो 1, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कंटूर कल्टिवेशन, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग और टिलेज ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये मैकेनिकल और एग्रोनॉमिक सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ये कंपटीशन फॉर फॉर लाइट शुड बी मिनिमम अमंग द डिफरेंट क्रॉप जोन, कॉम्प्लीमेंटेरिटी मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन क्रॉप जोन, बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए। घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग एक समय का नहीं होना चाहिए, घटक फसलों की परिपक्वता में कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइंस सेक्शन के बारे में। जो भी जितने भी 15-20 सवाल साइंस से आए थे सबको एक बार में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा नंबर एक, जिसमें हमसे पूछा हुआ है कि मास, लेंथ और टाइम की SI यूनिट कौन कौन सी होंगी। तो मास की होगी किलोग्राम, लेंथ की होगी मीटर और टाइम की होगी सेकेंड। तो ये बात कहाँ पर दी गई है, ऑप्शन ए में। आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए।
उसके बाद सेकंड आ जाइए, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आप कॉपर, आयरन, सिल्वर या फिर यूरेनियम की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट आपको यूरेनियम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। इनमें से साइंस की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि बॉडी के टिश्यू और फ्लूइड इन सबसे संबंध रखती है? तो ये है पैथोलॉजी। जनरली पैथोलॉजी को कहा जाता है कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डिजीज़ का कारण पता लगाने के काम में आती है। लेकिन कारण कैसे पता लगाएगी, आप जानते हैं ब्लड टेस्ट होते हैं और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, उसमें बॉडी में से टिश्यू और फ्लूइड की एनालिसिस की जाती है, तो यहाँ से हो जाएगा पैथोलॉजी। बाकी पीडियाट्रिक्स के अंदर हम लोग बच्चों में जो भी डिजीज़ेस होती है वो पता करते हैं। फिजियोथेरेपी मतलब वो मैकेनिकल और फिजिकल मेथड जिसके कारण बॉडी को आसानी से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। और फार्माकोलॉजी से संबंधित जो फार्माकोलॉजी जो साइंस की ब्रांच है वो संबंधित है औषधियों से यानी मेडिसिन से। तो यहाँ से करेक्ट आंसर पैथोलॉजी बचा। अब इनमें से बताइए कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप दोनों सरफेस के बीच की रफनेस को बढ़ा देंगे तो यहाँ से दोनों के बीच का फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। बाकी आप रोलर, बॉल बीयरिंग या फिर अगर लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ से करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। फिफ्थ में आपसे पूछा हुआ है कि जो नट क्रैकर होता है, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप अखरोट तोड़ते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सी क्लास का लीवर है वो? तो वो है क्लास सेकंड लीवर, क्लास टू लीवर, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो खट्टे फलों में, स्ट्रॉबेरी में और आलू में आपको देखने को मिलता है? तो ये है विटामिन सी, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है कि आपके पास तीन सोल्यूशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और इनको लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट किया जाता है। और जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट है वो लिटमस पेपर को लाल बना देता है, जो सोल्यूशन नंबर सेकंड है वो उसे ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, और जो तीसरे नंबर का सोल्यूशन है उसमें लिटमस पेपर के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इन बातों से मतलब ये जो रिजल्ट ऊपर लिखे हुए हैं क्या चीज़ आपको समझ में आती है? तो जो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट है वो लिटमस पेपर को रेड बना दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक होगा, एसिड होगा उसमें। ऐसे ही जो सोल्यूशन नंबर दो है वो पक्का बेसिक होगा, ऐसे ही जो तीन है वो पक्का न्यूट्रल होगा, क्योंकि लिटमस पेपर के ऊपर न्यूट्रल सोल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोल्यूशन वन इज एसिडिक, सेकंड इज अल्कलाई, अल्कलाई कुछ नहीं स्ट्रांग बेस होता है, और तीसरा वाला न्यूट्रल होगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से बताइए कैटलिस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं कि रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं लेकिन रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। तो इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो होगा ही। इट चेंजेस इटसेल्फ, अपने आप में इनका कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये बात यहाँ से गलत हो गई। तीसरा है लाइट कांट बी कंसिडर्ड एज कैटलिस्ट, तो लाइट की वजह से रिएक्शन में स्पीड बढ़ती है फोटोलिटिक रिएक्शन में, तो ये बात गलत हो गई, लाइट को कैटलिस्ट आप मान सकते हैं। ऐसे ही इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये तो होता ही है, इंजाइम्स शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनका रेट बढ़ा देते हैं, इस वजह से इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ से हमें करेक्ट मिली हैं, एक पहली एक चौथी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नाइन्थ में बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से विकल्प जाएगा जिसमें हमें दोनों एनिमल इनवर्टिब्रेट मिलेंगे, यानी कि उनके रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। तो अगर आप केंचुए और जोंक की बात करेंगे तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, इनमें किसी भी फॉर्म में रीढ़ की हड्डी एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि जो स्नेक्स और लिजार्ड होते हैं, सांप और जो छिपकली और गिरगिट जो होते हैं उनमें अंडर डेवलप्ड होती है, मतलब थोड़ी बहुत होती है उसमें। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दसवें नंबर में हमसे पूछा गया है कि दिमाग का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है कि कैसे हमारे शरीर में मूवमेंट होगी, टच करने पर कौन सी फीलिंग आएगी, हम क्या चीज़ सुन सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं सुन पा रहे हैं, ये सारी जानकारी कंट्रोल सिग्नल के द्वारा वहाँ तक पहुँचेगी। तो
तो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है? तो सेरिब्रम, और सेरिब्रम आता है कॉर्टेक्स के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि उसकी जो प्राइमरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर में दो टाइप की कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें जो प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी वहाँ पे जो कॉइल है उसको ज़्यादा बार लपेट दिया गया है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी के मुकाबले, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वोल्टेज और करंट में? तो देखिए, अगर कोई कॉइल है ट्रांसफार्मर की तो उसमें जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे वोल्टेज भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा आउटपुट पे, और आउटपुट पे अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट उतना ही कम होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा। इसमें द आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंडरी शुड बी लोअर होगा, बिकॉज उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो जाहिर सी बात है आउटपुट पे वोल्टेज भी कम मिलेगा। द आउटपुट वोल्टेज एट द सेकेंडरी इज लोअर, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो गया, तो अगर आउटपुट वोल्टेज कम हो गया तो करंट बढ़ना चाहिए ना। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो करंट ज़्यादा पास होगा उसमें, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा। उसके बाद नंबर 12 बात करते हैं। एक स्काई डाइवर है, वो आसमान से गिरते समय अपने हाथ और पैरों को फैला लेता है, तो जब उसने ऐसा किया तो उसके बाद उस स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा जिस स्पीड से वो नीचे की तरफ आ रहा है? तो जैसे ही उसने हाथ पैर फैलाए उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, और ये जो एयर रेजिस्टेंस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगी, और साथ ही साथ जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा है वो भी बढ़ जाएगी। हिज स्पीड विल इंक्रीज बिकॉज ड्रैग, यानी एयर रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पे केस स्टडी टाइप सवाल है। कोई एलेक्स नाम के बंदे हैं जो ये कहते हैं, इफ द मून हैज ट्वाइस द मास दैट इट डज, अगर जो इस समय चांद है उसका मास अगर दोगुना हो जाए तो उसके बाद द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून वुड बी ट्वाइस एज लार्ज। तो सबसे पहले जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, जी टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर का मतलब है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, बिकॉज इन्हीं दोनों के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो इन्होंने बोला है अगर ये जो mm है मून का मास, ये डबल हो जाए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ mm हो जाए और अर्थ का मास वही रहे, डिस्टेंस भी वही रहे, तो फोर्स डबल हो जाएगा। जाहिर सी बात है डबल हो जाएगा, बिकॉज़ ये जो 2 है इसे आप बाहर निकाल सकते हैं और बाकी बाद में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो F बराबर 2F हो जाएगा, फोर्स यहाँ से डबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलेक्स हैं अपनी जगह पे सही हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कोई ट्रेसी हैं जो ये कहती हैं कि इफ़ द मून वर हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अगर चंद्रमा और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी हो जाए, अगर आर है तो आर बाई टू हो जाए, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम ट्वाइस एज लार्ज। जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा अगर दो बॉडी कम कम दूरी पे हैं तो, लेकिन क्या 4 गुना लगेगा? चलिए देख लेते हैं। एफ की जो डेफिनेशन है जी mm इंटू ME बाई आर स्क्वायर, इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि आर की वैल्यू 2R हो गई, ये 2R का होल स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर। तो ये 4 जब उधर जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये पूरी F के बराबर है, यानी अभी जो फोर्स लग रहा है वो 4 गुना है। इसका मतलब ट्रेसी भी अपनी जगह पे सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा कि ये दोनों बंदे अपनी अपनी जगह पे सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 100 तक रीजनिंग के सवाल इस पेपर में आए थे, तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होगा 92 नंबर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि जिस तरीके से तरकस का संबंध तीर के साथ होता है तो उसी तरीके से म्यान का किसके साथ होगा। तो हमें पता है कि जितने भी तीर होते हैं वो तरकस के अंदर आते हैं, तो म्यान के अंदर कौन रखी जाती है? तलवार, स्वॉर्ड, ऑप्शन डी।
इसके बाद नंबर सीरीज को कंप्लीट करना है हमें 125, 171, 263। तो गैप देख लेते हैं, 171 और 125 के बीच में गैप आएगा 46 का, ऐसे ही 263 और 171 के बीच में गैप आएगा 92 का। हम जानते हैं कि 46 से 92 बना सकते हैं इंटू 2 करके, बिकॉज 46 का डबल 92 होता है। ऐसे ही 401 और 263 के बीच में डिफरेंस आएगा 138 का, और 46 से 138 कैसे बनाते हैं इंटू 3। उसके बाद 585 और 401 के बीच में डिफरेंस आएगा 184 का, 46 से 184 बनाते हैं आप इंटू 4 करके। तो पहले आपने 46 का डबल किया, फिर ट्रिपल किया, फिर चार गुना किया, तो जाहिर सी बात है आपकी बार आप पाँच गुना करेंगे, तो 46 गुणे में 5, 460 का आधा 230, 585 में 230 जोड़ दीजिए, ये 835 यहाँ से, सॉरी 815 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं 94 नंबर पे। सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल। ए से लेकर एफ तक आपके पास 6 लोग हैं जो कि राउंड टेबल यानी गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो एक हमने गोल मेज बना ली, सर्कल बना लिया बेसिकली, और 6 लोगों को अरेंज कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और सभी के सभी टेबल को अंदर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग इनवर्ड्स, यानी हर एक बंदा टेबल की तरफ ऐसे करके देख रहा है। तो इसके बाद आगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, सी इज एट द फोर्थ प्लेस फ्रॉम हिज राइट। अगर ए यहाँ पे है और वो अंदर की तरफ देख रहा है, तब आप बताइए उसकी राइट हैंड साइड क्या होगी, ये वाली उसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब ये यहाँ से चौथी पोजीशन में अगर आप देखें, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन, तो इस पोजीशन पे सी आ जाएगा। उसके बाद है एफ इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के एकदम दाएं पे एफ बैठा है, ए का एकदम दाएं ये है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। सी इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में सी को आना चाहिए, और ई को एफ और बी के बीच में आना चाहिए, तो एफ यहाँ पे है। तो एफ और यहाँ पे अगर मैं बी रख दूंगा, इधर मान लीजिए मैंने बी रख दिया, तो एफ और बी के बीच में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, जबकि आना किसको है, ई को। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो बी को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी ई को एफ और बी के बीच में हम ला सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। पिछली कंडीशन पे वापस चलते हैं कि बी और डी के बीच में सी को आना चाहिए, तो डी के लिए तो एक ही स्थान बचा है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, ये डी बना दिया, इंस्ट्रक्शन सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। सी इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के एकदम दाएं पे कौन है, ए के एकदम बाएं पे बेसिकली कौन है, डी है, जबकि इन्होंने सी बोला है, तो यही बात यहाँ से गलत हो जाएगी और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी वेरीफाई कर लेते हैं, ए और ई के बीच में एफ है क्या, तो ये ए है, ये ई है, बीच में एफ देखने को मिल गया। उसके बाद ए और सी के बीच में डी है क्या, तो ये ए है, ये सी है, तो ये डी देख लीजिए आप, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ई के सामने डी बैठा है क्या, तो देखिए दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो गया। उसके बाद चलते हैं 95 की तरफ। ये आपके सामने पूरी अल्फान्यूमेरिक सीरीज है और आपसे पूछा गया है विच लेटर या फिर नंबर या फिर सिंबल विल बी द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर नंबर या फिर सिंबल विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट। जो भी लेटर नंबर या फिर सिंबल दाहिनी तरफ से तीसरे स्थान पे है, ये पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा स्थान, तो ये है चार, तो चार के लेफ्ट हैंड साइड से सातवां कौन होगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो ये चार ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 96 नंबर में आपके सामने एक कीवर्ड है प्रूडेंट। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि इसमें ऐसे कितने पेयर हैं कि उनके बीच में, जैसे ये अल्फ़ाबेट नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, इनके बीच में उतने ही गैप होने चाहिए जितने एक्चुअल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये P है और ये R, तो P के बाद एक का गैप होता है Q का, लेकिन ये तो A B C D जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें भी तो होता है ना, P Q R एक के बाद एक आते हैं, तो ये पहला पेयर हो गया P और R।
ऐसे ही अगर आप डी और ई देखेंगे तो डी के बाद ठीक अगला ई ही आता है, यहाँ भी वही आ रहा है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी वही आता है। तो ऐसे ऐसे दो पेयर मिल चुके हैं, लेकिन तीसरा ऐसा कोई पेयर यहाँ पे अगर दिखाई पड़ रहा है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये टी और यू, ये जो टी और यू हैं, ये टी के बाद ठीक अगला वाला यू आता है और वो तो सही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी आता है, ये यहाँ से सही हो जाएगा। तो एक पेयर ये बन गया टी और यू वाला, यहाँ से टी और यहाँ से यू, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जाएगा कि तीन पेयर ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद जो 97 है वो सिलॉजिज्म का है, स्टेटमेंट है सम रैट्स आर रैबिट, ये रैट हो गए और ये हो गए रैबिट। सम रैबिट्स आर मॉस्किटो, तो रैबिट का कुछ पार्ट मॉस्किटो के अंदर ये वाला आ गया। उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं, सबसे पहला है सम मॉस्किटो मस्ट बी रैट, ये मस्ट बी को हटा देते हैं, आर यहाँ पे रख देते हैं कि कुछ मॉस्किटो ऐसे होने चाहिए जो कि रैट के अंदर आने ही चाहिए, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि अगर आप मॉस्किटो देखें तो यहाँ पे है और रैट अगर आप देखें तो यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में कोई पार्ट कॉमन है क्या? हमारे बेसिक डायग्राम में तो नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ से गलत हो गया। दूसरा है ऑल रैबिट्स आर रैट, सारे के सारे रैबिट रैट के अंदर आ रहे हैं क्या? तो सारे नहीं आ रहे, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये भी बात गलत हो गई। तो जब दोनों बात गलत हो गई तो फाइनल आंसर यहाँ से निकलना चाहिए नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, ऑप्शन डी। उसके बाद 98 में डेटा सफिशेंसी का सवाल आ गया कि किसी कोडेड लैंग्वेज में वॉक का कोड आप बता दीजिए, तो कौन कौन से स्टेटमेंट आपको यूज़ करने पड़ेंगे, किससे आंसर निकलेगा किससे नहीं निकलेगा, ये बात आपको यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। पहला है जो हमारे पास में गिवन है हमको, वो ये है शी वॉक फास्ट को ही का टू बोला जाता है, लेकिन अकेले से ये जो शी है इसका कोड इनमें से तीनों में से कोई एक हो सकता है, ऐसे ही वॉक का और फास्ट का इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, हम ऐसे नहीं बता सकते कि वॉक का इनमें से कोई एक होगा, तो ये बात अकेले आंसर देने के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरी देखते हैं शी लर्न फास्ट, यहाँ पे तो वॉक का जिक्र ही नहीं है तो इधर से तो पक्का नहीं निकाल सकते। तो अगर आप अलग अलग स्टेटमेंट से आंसर निकालने जाएंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब इसको कंबाइन करके देख लेते हैं। अगर आप मीनिंगफुल वर्ड में कॉमन देखेंगे तो एक तो शी कॉमन है और दूसरा फास्ट कॉमन है, दो चीज़ कॉमन है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक ही कॉमन मिला और दूसरा मिला का, तो ये बात तो कन्फर्म हो गई यहाँ से कि शी और फास्ट के लिए ही या का में से यूज़ होगा। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि शी के लिए ही होगा या का होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा, इसी तरीके से फास्ट का भी इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, कुल मिला के कोई तीसरा नहीं हो सकता है। तो ये जो वॉक बच गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ टू के लिए यूज़ हो जाएगा। तो आपने देखा अभी अभी कि दो स्टेटमेंट को जब हमने कंबाइन किया तो हमारा आंसर निकल गया, बिकॉज सी और फास्ट एक तरीके से फिक्स ही हो चुके हैं, कंप्लीट फिक्स नहीं हो चुके हैं लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि इन्हीं दोनों में से यूज़ होंगे। अब ये वॉक अकेला बच गया और ये टू अकेला बच गया, तो वॉक जाहिर सी बात है टू के लिए यूज़ हुआ है। तो कौन सा वाला ऑप्शन टिक करेंगे कि जो स्टेटमेंट वन और टू दोनों मिला के यूज़ होने चाहिए आंसर निकालने के लिए, डेटा इन स्टेटमेंट वन एंड टू इज़ नेसेसरी, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल कोडेड ब्लड रिलेशन से है, इसमें अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है तो बताना है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ, ए जो है वो एफ के कौन होंगे आप बता देंगे इसमें। तो सबसे पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, फैमिली ट्री डायग्राम इसका बना लेते हैं। सबसे पहले है ए डिवाइड बाय बी, अगर दो वेरिएबल डिवाइड बाय के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पहला पर्सन है वो दूसरे वाले की माँ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पी डिवाइड बाय क्यू में कि पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे ए जो है वो बी की मदर होनी चाहिए, तो ए जो है वो मदर है, इस वजह से नेगेटिव साइन फीमेल के लिए, और बी का जेंडर फिलहाल डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बी जो है वो ए का बेटा भी हो सकता है या फिर बेटी भी हो सकती है। उसके बाद बी प्लस सी, अगर दो वेरिएबल प्लस के थ्रू कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है कि जो पहला बंदा है वो दूसरे वाले का पिता है,
तो यहाँ पे बी जो है वो सी का पिता हो जाएगा, तो सी हम नीचे बना लेंगे और बी पिता है तो मेल हो जाएगा। उसके बाद सी माइनस ई, अगर माइनस से दो वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पहला बंदा है वो दूसरे का भाई है। यहाँ पे आप देख लीजिए पी क्यू का भाई है, अगर माइनस से कनेक्टेड हैं दोनों तो यहाँ पे जो सी और ई है तो सी जो है वो ई का भाई हो जाएगा। ई का जेंडर फिलहाल डिसाइडेड नहीं है लेकिन सी भाई है तो मेल होगा, इस वजह से प्लस का साइन। उसके बाद ई इंटू एफ, अगर दो वेरिएबल इंटू के साइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसका मतलब ये है कि जो पहली बंदी है वो दूसरे वाले की बेटी है। आप यहाँ पे देख लीजिए अगर पी इंटू क्यू इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब ये है कि पी जो है वो क्यू की बेटी है, तो यहाँ पे ई जो है वो एफ की बेटी है। इसमें अगर आप देखें तो ई और सी आपस में सिबलिंग हैं और इनके अगर पिता की बात करें तो बी हैं, और इन्होंने साथ ही बोला है कि ई जो है वो एफ की बेटी है, तो बेटी है तो माइनस साइन तो हम लेंगे ही, लेकिन बी की भी बेटी है और एफ की बेटी है तो इसका मतलब बी और एफ आपस में दंपत्ति हैं, और बी चूंकि मेल है तो एफ फीमेल होंगी, बी उनके पति होंगे और एफ खुद पत्नी होंगी बिकॉज ये फीमेल है। यहाँ से हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, अगर आप ए की बात करें और नीचे एफ की बात करें तो ए का बेटा है बी और उस बेटे की पत्नी है एफ, तो बेटे की पत्नी मतलब बहू, डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर आप 100 नंबर में देखेंगे तो जिस तरीके से ब्रेकिंग को इस तरीके से लिखते हैं तो मदरली को उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले वो पैटर्न हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू हमने ब्रेकिंग को ये लिखा है। तो जहाँ तक पैटर्न का सवाल है तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी शुरुआत में बी है तो इधर भी बी है, तो यहाँ अगर एम है तो शुरुआत एम से होनी चाहिए लेकिन चारों ऑप्शन में आपको शुरू में एम मिलेगा ही नहीं, तो ये पैटर्न हमारा फेल हो गया। अब दूसरे पैटर्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ब्रेकिंग में अगर आप अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे तो 8 हैं, तो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, चार यहाँ से हो गए और चार अल्फ़ाबेट यहाँ से हो गए। अब बी आर ई ए, अब यहाँ पे बी है और हमने लास्ट में देखा है ए है, तो ये जो ए है इससे एक बढ़ा के हमने शुरुआत में लिख दिया, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये जो ए है इससे प्लस वन करेंगे तो बी लिखेंगे, वो भी सबसे पहले। वैसे ही ये जो ई है इससे हम प्लस वन करेंगे तो एफ आएगा, वो यहाँ आ जाएगा, वही चीज़ तो चल रही है। ऐसे ये जो आर है उससे ठीक अगले वाला एस हो जाएगा, ये बी है तो ठीक अगले वाला सी हो जाएगा, ये हमने कर लिया। उसके बाद ये चीज़ फिनिश हो जाती है। वैसे ही ये जो किंग है इसमें से हम जी पहले उठा लेंगे और जी का ठीक पिछला वाला लेंगे तब एफ आएगा, इस बार अगला वाला नहीं लेना है, जबकि पिछले सेट में हम अगला वाला ले रहे थे। जी से ठीक पिछला एफ होता है, एन से ठीक पिछला एम होता है, एफ एम देखिए मिल गया ना। उसके बाद आई से ठीक पिछले वाला एच होता है, के से ठीक पिछले वाला जे होता है, तो ये रहा हमारा लॉजिक। चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मौत, एच से ठीक अगले वाला आई, फिर उसके बाद में टी के बाद यू, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, आई यू पी एन, उसके बाद वाई से पहले वाला एक्स, फिर और पहले अगर आप एल से पहले बात करेंगे तो के, फिर उसके बाद आर के पहले क्यू और ई के पहले डी, आई यू पी एन एक्स के क्यू डी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 101 में आपको ये पूरी की पूरी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दे रखी है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन सेवेंथ लेटर या फिर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड नाइन्थ लेटर या फिर नंबर फ्रॉम द राइट। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो आपको लेफ्ट से सातवां चुनना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये आर हुआ। उसके बाद में अगर आप राइट हैंड साइड से बात करेंगे तो आप नवा चुनेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, तो ये क्यू। ई और क्यू के बीच में कौन आ रहा है तो ये देखना पड़ेगा। तो आर से लेकर जो क्यू है, आर और क्यू को मिला के ये लोग कितने हैं चलिए गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, तो आप चार यहाँ से काट दीजिए, चार इधर से काट दीजिए, तो बीच में नौ बचेगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज बीच का ही तो बताना था, ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद यहाँ पे आप बताइए इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो सबसे पहले ये इन दोनों की इमेज का पैटर्न हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके की चीज़ पहले यहाँ पे आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे आ गई, मतलब इनका लेफ्ट राइट बदल गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे कि ये जो गोला इधर है, हमारी जो इमेज वाली फिगर होगा उसमें उस तरफ आएगा, और ये तीर ऊपर है तो नीचे जाएगी, तो तीर नीचे होनी चाहिए और गोला ऊपर। उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। अब ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पे निकले हैं, जब आप इसकी इमेज लेंगे तो पीछे की साइड निकल आएंगे, और ये जो ऐसे था फिगर वो ऐसे हो गया, मतलब ये भी साइड चेंज हो गई, तो ये जो ऐसे फिगर है वो ऐसे हो जाएगा, और ये जो प्रोजेक्शन यहाँ निकल रहे हैं वो पीछे साइड निकलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्शन अंदर की तरफ थे ये बाहर की तरफ निकला है, तो यहाँ बाहर की तरफ हैं तो वहाँ पे तो अंदर की तरफ होंगे ना, तो आपको सी टाइप का फिगर यहाँ से चाहिए और प्रोजेक्शन अंदर की तरफ चाहिए, और साथ ही साथ तीर नीचे की तरफ चाहिए और गोला ऊपर की तरफ चाहिए। इन सारी बातों को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चारों ऑप्शन में आप ऐसा शब्द बताइए जो कि वोकैबुलरी के सारे अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए नहीं बनाए। तो अगर आप इसमें केबल की बात करेंगे तो केबल बनाने के लिए आपको ऊपर से ई उठाना पड़ेगा, जब वोकैबुलरी में ई है ही नहीं तो आप उठाएंगे क्या, तो केबल आप नहीं बना पाएंगे, ऑप्शन बी। यहाँ से हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के बारे में, और देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा 181, OPC का फुल फॉर्म यहाँ से क्या है, तो यह है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी। यहाँ पे सभी यूज़र्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपने हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में कंप्यूटर का पापा वीडियो देखा हो जो कि हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो उसमें से आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं वहाँ से। उसके बाद ऐसा कंप्यूटर बताइए नेटवर्क के ऊपर जो बाकी कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो वो आपका सर्वर है, ऑप्शन बी। इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है ये जानने के लिए कि कौन सा ऐसा यूज़र है जो कि वेबसाइट पर वापस आया है, तो आप इसके लिए कुकी का यूज़ करते हैं। इसको प्लगइन से कन्फ्यूज ना करिएगा, प्लगइन भी वेबसाइट में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत आप वेबसाइट से वो भी डेटा देख सकते हैं जो ओरिजिनली वहाँ पे था ही नहीं। उसके बाद MS PowerPoint प्रेजेंटेशन के अंदर क्लिप आर्ट पर अगर आपने कुछ इमेजेस का कलेक्शन किया है तो वो किस तरीके से काम करती हैं, तो वो जो इमेज होती हैं सारी की सारी वो हमेशा यूज़ करने के लिए तैयार होती हैं, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा ऐसा एक्रोनिम है चारों ऑप्शन में से जो कि मोबाइल मनी ट्रांसफ़र के बारे में आपको बताता है, तो अगर आप MMID की बात करेंगे तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। पहला M यूज़ होता है मोबाइल के लिए, फिर उसके बाद दूसरा वाला मनी के लिए, और ID का मतलब होता है आइडेंटिफायर, तो ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। IMEI के अंदर E का मतलब क्या है, तो इक्विपमेंट, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ई कॉमर्स बिजनेस का एडवांटेज नहीं है, चारों ऑप्शन में से किस चीज़ के लिए आप ई कॉमर्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उससे देखेंगे, आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड करना चाहेंगे उससे, और किसी भी समय उस बिजनेस में कोई भी क्लाइंट उसको अप्रोच कर सकता है ये भी चाहेंगे, लेकिन आप हाई इनिशियल कॉस्ट से बचना चाहेंगे तो वो आपका एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज होगा, ऑप्शन ए। हाई इनिशियल कॉस्ट जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस की का डिसएडवांटेज है, उसका नुकसान है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से बताइए एक्सेल की जो स्प्रेडशीट आप बनाते हैं किस लिए यूज़ की जाती है, क्या वो डेटा को सॉर्ट करने के लिए, उसको क्रम वाइज लगाने के लिए, तो बिल्कुल डेटा को अच्छे से अरेंज करने के लिए, ये भी बात यहाँ से सही है। डेटा में जो अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो तीनों बातें यहाँ से सही हैं, ऑप्शन डी। इन तीनों बातों को, मतलब इन तीनों चीज़ों को करने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट बनाई जाती है। इनमें से बताइए कौन सा ऐसा प्रोटेक्टिव वॉल है जो कि कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके अंदर प्रवेश करना चाहता है, मतलब उसको एक्सेस करना चाहता है,
तो ये चीज़ इस चीज़ को रोक देगी, मतलब ये टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी है यहाँ से फायरवॉल, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत यूज़र सिर्फ डेटा को पढ़ सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता, उसे डिलीट नहीं कर सकता? तो ये टेक्नोलॉजी होती है रीड ओनली। आपने रोम का नाम तो सुना ही होगा, रीड ओनली मेमोरी, ये वही वाली टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन बी। इनमें से बताइए 191 नंबर में कि कौन सा ऐसा ऑनलाइन पेमेंट मोड है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट, आपको बैंक जाना पड़ेगा, कैश बिफोर डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी। इन दोनों के लिए भी आपको ऑफलाइन मोड को, मतलब पुराने मोड को यूज़ करना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंस इसके लिए अनिवार्य होगी, लेकिन नेफ्ट में मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट किया जा सकता है, ऑप्शन डी। नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है, या फिर कह लीजिए उसकी टोपोलॉजी है, जिसके अंतर्गत दो कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा सेंड या फिर उससे रिसीव नहीं कर सकते, बीच में एक सेंट्रलाइज डिवाइस की प्रेजेंस अनिवार्य होती है? तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी में, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे आप एमएस पावर पॉइंट के अंदर नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? तो यह है कंट्रोल एन, ऑप्शन डी। अगर आपको अपनी एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड आपने बनाई है उसके अंतर्गत अगर आप सारी स्लाइड का सेम बैकग्राउंड करना चाहते हैं, तो कौन से ऑप्शन को आप चुनेंगे? अप्लाई टू ऑल पे जाएंगे आप, ऑप्शन बी। इनमें से बताइए 195 में कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो अगर आप डॉट मैट्रिक्स, लाइन या फिर डेजी व्हील की बात करेंगे, तो ये तीन के तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इनमें छोटा सा हथौड़ा होता है जो कि कैरेक्टर को प्रिंट करता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर के अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर हथौड़ा नहीं होता, ऑप्शन डी। PNG का फुल फॉर्म बताइए इसके बाद, तो ये है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ऑप्शन डी। इसके बाद आपके सामने एक्रोनिम दिया हुआ है XML, इसमें बताइए एक्स का मतलब क्या है? तो एक्स का मतलब एक्सटेंसिबल है, ऑप्शन सी। उसके बाद 198 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है CPU के अंदर, ऑब्वियस सी बात है सारे रजिस्टर जो हैं वो CPU के अंदर होते हैं, तो ये जो रजिस्टर है वो डेटा या फिर जो इंस्ट्रक्शन है उसे स्टोर कर लेता है, और डेटा और इंस्ट्रक्शन में भी वो मेन कंटेंट को स्टोर करेगा, तो यह है इंडेक्स रजिस्टर, ऑप्शन सी। जैसे आपने बुक का जो इंडेक्स देखा होगा वो बुक की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे है, ऐसे ही जो इंडेक्स रजिस्टर है वो आपके डेटा की पूरी जानकारी रखता है। माइक्रो प्रोसेसर की कंट्रोल यूनिट में आगे आने वाली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती हैं? तो ये होती हैं प्रोग्राम काउंटर में, ऑप्शन डी। प्रोग्राम काउंटर वही करता है कि आगे आने वाली जो भी इंस्ट्रक्शन है, मतलब मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली होने वाली है, तो वो इसको स्टोर करेगा, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि CPU और दूसरी डिवाइसेस के बीच में जो कंट्रोल सिग्नल ट्रैवल करते हैं उनको ले जाने और लाने का काम करती है? तो यह है ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल बस, वही तो कंट्रोल सिग्नल को लेके जाएगी, ऑप्शन ए।